एंड वेलकम टू दी इंडिया ग्लोबल स्टडी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, पार्ट नंबर 2, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कार्डामम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? इसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह केरल एवं तमिलनाडु है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। यह अनाई मुड़ी की पहाड़ी पर स्थित है और अनाई मुड़ी तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से तीन पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं तीन दिशाओं में जाती है, दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डामम की पहाड़ियाँ और उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले स्थित पहाड़ियाँ गिरनार नाम से जानी जाती है। यह जैनों का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता जैन तीर्थकर नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था और गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था। और जियोलॉजिस्ट इस पर्वत को हिमालय से भी पुराना मानते हैं। और गिरनार पहाड़ियों की ऊंचाई 1031 मीटर है यानी 3383 फीट। क्वेश्चन नंबर 43, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय जिसका शाब्दिक अर्थ है मेघों का या आल्य यानी बादलों का घर, मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ मुख्यतः खासी, जयंतिया और गारो और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग जिसमें खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं और एक विशाल पठारी क्षेत्र है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाई मुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है और अनाई मुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर यानी 8842 फीट। क्वेश्चन नंबर 45, भारत एवं म्यांमार के बीच निर्धारित करने वाली तीन पर्वत श्रेणियां हैं खासी, पटकोई तथा अराकान योमा। इसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो उस देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है और सर्वोच्च ऊंचाई 3094 मीटर है। खासी पर्वतमाला भारत के राज्य मेघालय में स्थित गारो खासी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है और साथ ही यह पटकाई पर्वत श्रृंखला और मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय वन पारिस्थितिक क्षेत्र का भी अंग है। खासी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी लूम सिलांग है जो 1968 मीटर ऊंची है और यह शिलांग शहर के दक्षिण में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है और यह भारत पर्वत के नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में विस्तृत है। भारत बर्मा सरहद पर खड़ा 3826 मीटर यानी 12552 फुट ऊंचा सारामती पर्वत पटकाई पहाड़ों का सबसे बुलंद शिखर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ी पर्वत, सतपुड़ा पर्वत उपयुक्त का सबसे उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इस तरह देखें तो यहाँ पर मैप दिया, मैप में सबसे पहले सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा की बात आती है, सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ हैं, फिर सतपुड़ा है, फिर सह्याद्री है, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और पहाड़ियों की एक श्रृंखला है।
और उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। वह इसे सम्वेद शिखर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मेकाल श्रेणी के रूप में पश्चिमी से पूर्व की ओर विस्तृत है और पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार एक है पठार तक है और धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है का एक और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है और यह पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1352 मीटर यानी 4429 फीट है। क्वेश्चन नंबर 49, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अरावली मुख्यतः भारत के राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है और यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर दो भागों में बांटती है और अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1727 मीटर है जो माउंट आबू में है। क्वेश्चन नंबर 50, नंदा देवी का शिखर स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत भारत की विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची वह देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है और इससे ऊपर K2 है गॉडविन ऑस्टिन जो कि पीओके के अंदर है जिस पर पाकिस्तान ने इलीगल अतिक्रमण कर रखा है। तो हो सकता है यहाँ पर जो सबसे पहले क्या 23वीं सर्वोच्च चोटी है विश्व मतलब जो जो है ना नंदा देवी और नंदा देवी भारत पर्वत की दूसरी सबसे विश्व की 13वीं सबसे चोटी है और इससे ऊंची जैन में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है और कंचनजंगा से यहाँ पर दूसरी कहा गया है लेकिन हो सकता है ये तीसरी भी हो कई बुकों के अंदर क्योंकि कंचनजंगा से भी ऊंची चोटी हमारे जो यहाँ पर जो है वो है K2 गोडविन ऑस्टिन वो भी भारत के अंदर ही आती है क्योंकि जो पीओके है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। तो यहीं पे हमारी वीडियो जो पार्ट नंबर 5 है वो कंप्लीट होती है माउंटेन्स ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।